आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दिया। अग्रिम जमानत की अर्जी हनीप्रीत के वकील की ओर से लगाई गई है दिल्ली हाई कोर्ट में, उस पर अब दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। हनीप्रीत की अग्रिम जमानत पर 2 बजे सुनवाई होगी। वो इस अग्रिम जमानत चाहती है हनीप्रीत, जो इस समय दिल्ली में है, जैसा कि उसके वकील की ओर से दावा किया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में हनीप्रीत के वकील ने जो जमानत की अर्जी लगाई है, उस पर दोपहर 2 बजे अब सुनवाई होगी। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकित, 2 बजे इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और क्या जानकारी देंगे आप? जी बिल्कुल, 2 बजे सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले कोर्ट की सुनवाई कैसे शुरू हुई वो आपको बताना चाहूंगा। जैसे ही इस मामले में जो चीफ जस्टिस की बेंच थी, जस्टिस गीता मित्तल की जो बेंच थी, जब वो वहां पर पहुंचती हैं, जैसे ही वो कोर्ट रूम में बैठती हैं, हनीप्रीत की तरफ से जो वकील है वो उनके सामने आते हैं, यानी कि जो है कोर्ट के सामने आते हैं। वो कहते हैं कि ये कोर्ट में वो अर्जी रखना चाह रहे हैं, ये हनीप्रीत की एंटीसिपेटरी बेल है, यानी कि अग्रिम जमानत याचिका है, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल है और इस पर तुरंत सुनवाई हो जानी चाहिए। और उन्होंने इस बारे में दिल्ली पुलिस को और हरियाणा पुलिस को जानकारी दे दी है। ये हनीप्रीत के जो वकील हैं वो कोर्ट के सामने अपनी दलील रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और कोर्ट से मांग करते हैं कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए। तो जस्टिस गीता मित्तल है, उन्होंने सुनवाई के दौरान एक हल्के अंदाज में ये भी कहा, या ये कहा जाए कि उनका एक टिप्पणी जरूर थी कि ऐसा लग रहा है कि आप द हनीप्रीत की अर्जी लेकर के आए हैं, यानी कि हनीप्रीत कोई ऐसा जो है, एक ऐसी महिला जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आप तुरंत मांग कर रहे हैं, आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? ठीक है, आपने अपनी मेंशन कर दिया है, यानी कि आपने अपनी बात रख दी है, हम देखते हैं कि इस पर कैसे सुनवाई हो सकती है। जिसके बाद में एक बार फिर हनीप्रीत के जो वकील हैं वो कोर्ट से कहते हैं कि ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है कि इस मामले पर सुनवाई हो सकती है तो दोपहर 2 बजे के बाद में सुनवाई की जा सकती है, तब तक जो बाकी पक्ष के वकील हैं वो भी कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं। जिस पर कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, आप इंतजार कीजिए, 2 बजे के लिए मामला लिस्ट हो सकता है। और फिलहाल अभी जब हमारी हनीप्रीत के वकीलों से बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि वो कोशिश यही करेंगे कि 2 बजे जब सुनवाई हो तो उस दौरान दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस दोनों के वकील यहां पर हो और वो अपना पक्ष रख सके और हनीप्रीत को यहां से राहत मिल जाए। लेकिन अभी के लिए, यानी कि इस वक्त के लिए, दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी खबर यही है कि हनीप्रीत के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर कर दी है और हाईकोर्ट ने उसको 2 बजे के लिए रखा है, यानी कि सुनवाई के लिए मंजूर भी कर लिया है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अंकित, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले में, यानी कि अब से तकरीबन 3 घंटे के बाद सुनवाई होगी। इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।